नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमरावती के दानापुर घटना की अनुसूचित जनजाति आयोग ने ली दखल। नागपुर रेड लाइट एरिया में पुलिस विभाग ने बांटे कपड़े व मिठाई। और अनिल देशमुख निर्दोष बाहर निकलेंगे, अनिल अहिरकर ने जताया विश्वास। और अब खबरें विस्तार से। दानापुर घटना की अनुसूचित जाति जनजाति आयोग द्वारा दखल ली गई। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष जमो अभ्यंकर ने कहा कि समय रहते कार्रवाई की होती तो घटना टल गई होती। फुले शाहू आंबेडकर के पुरोगामी महाराष्ट्र को कलंक लगाने वाली घटना अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के दानापुर में घटी। दानापुर गांव में सभी अनुसूचित जाति के लोगों का रास्ता रोककर एक बुजुर्ग किसान महिला की सोयाबीन जला दी। लगातार हो रहे अत्याचार की वजह से 100 दलितों ने गांव छोड़ दिया। इस घटना की दखल अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने ली। आयोग के अध्यक्ष जमो अभ्यंकर ने गांव में जाकर पीड़ितों से चर्चा की। यदि संबंधित प्रशासन ने इस मामले में योग्य कार्रवाई नहीं की तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी। अमरावतीला मी जेव्हा ते SP साहेबांशी वगैरे बोललो त्यावेळेला मला वाटलं की कार्यवाही पुरेशा प्रमाणात त्यांनी केलेली आहे। जी प्रशासकीय कार्यवाही व्हायला पाहिजे होती, म्हणजे FIR दाखल करणं, त्यानुसार अटक करणं, ही कार्यवाही बऱ्यापैकी झाली असं मला त्यावेळेला वाटत होतं। पण आता गावात आल्यानंतर लक्षात आलं की याच्याशिवाय आणखी 2 केसेस आहेत की ज्या संदर्भात त्यांनी कारवाई केलेली नाही। ती कारवाई जर वेळीच केली असती तर पुढे जी ही घटना घडली 18 तारखेला ती कदाचित टळली असती। एक जरब बसवण्याची कारवाई त्यावेळेला व्हायला पाहिजे होती, ती झालेली नाही। त्यामुळे मला असं वाटतंय की आता या बाबतीत लक्ष घालण्याची गरज आहे आयोगाला। आयोग लक्ष घालेल, त्यांना बरोबर पत्र देईल। जी आता वस्तुस्थिती मला समजलेली आहे, जी आरोपींनी जे जे आता या ठिकाणी फिर्यादींनी जे जे आता या ठिकाणी मांडलं आहे त्याचा आधार घेऊन शासनाला परत मी आणखी काही माहिती देईल आणि त्यानुसार संबंधिताच्या विरुद्ध कारवाई करण्याच्या संदर्भात आम्ही निश्चितपणे पावलं उचलू। पुलिस आयुक्तालय द्वारा गंगा जमुना रेड लाइट एरिया में दिवाली के अवसर पर कपड़े और राशन वितरित किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने एरिया के छोटे बच्चों को मिठाई और कपड़े दिए। ये सभी चीजें पाकर उपस्थित महिलाओं और बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। पिछले कई दिनों से पुलिस और रेड लाइट एरिया के महिलाओं के बीच संघर्ष शुरू है। इन महिलाओं की बस्ती खाली करने से वे काफी परेशानी का सामना कर रही है, लेकिन दिवाली त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सभी महिलाएं और बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए एक छोटी सी पहल की। बुधवार को पुलिस विभाग द्वारा दिवाली के अवसर पर हंसी खुशी के माहौल में रेड लाइट एरिया की महिलाओं और बच्चों को नए कपड़े साथ ही राशन वितरित किया गया। सभी महिलाएं और बच्चे नए कपड़े मिठाई पाकर बहुत खुश नजर आए। कलेक्टर ऑफिस से मदद मांगी, महानगर पालिका से मदद मांगी और सभी लोग इसमें मदद करने के लिए तैयार भी हैं। इसमें जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, ये भी मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो नागपुर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज है, वह भी इसमें मदद करने के लिए तैयार है और वह ये चाहते हैं कि जो लोग देह व्यापार करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, वो देह व्यापार को छोड़कर कुछ नया सीखे और वो नया सीखने के बाद उस प्रकार का रोजगार लें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अनिल देशमुख निर्दोष है और वे जल्द ही इन सब से बाहर निकलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया, कुछ दिन और उन्हें जेल में बिताने होंगे। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर ने कहा कि 20 वर्ष से अनिल देशमुख मंत्री थे, उस समय भी उन पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे। अब राजकीय हेतु से लगाए गए आरोपों से वे पूरी तरह निर्दोष होकर बाहर निकलेंगे, ऐसा विश्वास अनिल अहिरकर ने व्यक्त किया। मी तुम्हाला सांगेल, अनिल देशमुखांच्या बाबतीमध्ये 20 वर्षाच्या त्यांच्या कार्यकाळामध्ये असा कोणताही त्यांच्यावर आरोप झालेला नाही।
काही लोकांनी जो आरोप केलेही होते त्यांनी ते स्वतःच आरोप मागे घेतले. असं असताना ज्यांनी त्यांच्यावर 100 कोटीचा आरोप लावलेला आहे, आरोप लावणाऱ्याला लागणाऱ्याला सिद्ध करावं लागते. माझ्यावरती ते सिद्ध कोर्टात जे काही होईल ते होईल, पण ज्या परमवीर सिंगांनी त्यांच्यावर आरोप केले तो व्यक्ती या देशातून कुठे पळाला, त्यांना कोणी सपोर्ट केला इथून बाहेर जायला. जेवढ्या दिवसापासून अनिल देशमुखच्या बाबतीमध्ये सुरू आहे, तर शिकायतकर्त्याची जबाबदारी असते. म्हणजे कोणावर कसाही आरोप लावून देणे व राजकीय, त्याला म्हणतात राजकीय विरोध करून राजकारणामध्ये बदल्याचं राजकारण करून, हे क्लिअर कट लोकांना लक्षात येत आहे, बदल्याचं राजकारण करून हे सर्व सुरू आहे. छगन भुजबळ साहेबांना सुद्धा तुम्ही 2 वर्ष जेलमध्ये ठेवलं होतं, परंतु कोर्टाने त्यांना बरी केला. मग त्याची भरपाई कोण करणार? म्हणून कोर्ट या देशामध्ये लोकशाही आहे. अनिल देशमुखांच्या बाबतीमध्ये ते निष्पक्षपणे बाहेर पडतील असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. व या जन्मांसामध्ये जेवढा असं म्हणतात, जेवढा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय कराल तेवढा त्यांचा फेवर वाढत जातो. तेच आमच्या अनिल देशमुखांच्या बाबतीत झालेलं आहे. इवन दुसऱ्या पक्षाचे, ज्या भारतीय जनता पार्टीचे लोकही याला इंडिव्हिज्युअलमध्ये मान्य करतात का, हे या प्रकारचं व्हायला नको होतं. तर अनिल देशमुखांतून इथून सर्व बाहेर निश्चितच ते बाहेर पडतील या संकटातून असं मला वाटतं. राज्य सरकार ने राज्य परिवहन कर्मचारियों की मांगे पूरी करनी चाहिए, ये कहना है पदवीधर मतदार संघ के विधायक अभिजीत वंजारी का. उन्होंने कर्मचारियों के अनशन मंडप को भेंट दी. महाराष्ट्र राज्य परिवहन कर्मचारियों के आर्थिक और कई समस्याओं का हल न होने से एसटी कर्मचारी रामनगर बस डेपो के सामने अनशन पर बैठ गए हैं. इस बीच पदवीधर मतदार संघ के विधायक अभिजीत वंजारी ने अनशन मंडप को भेंट देकर उन्हें समर्थन किया. इस दौरान उन्होंने अनशनकर्ताओं को आश्वासन देकर कहा कि उनकी बात वे प्रशासन तक पहुंचाएंगे, साथ ही एसटी कर्मचारियों की सभी समस्या हल करने की बात विधायक वंजारी ने कही. मिनिमम वेजेस पेक्षा ही कमी पगार या लोकांना आजपर्यंत मिळत आलेला आहे, हे मुळात अन्यायकारक आहे. आणि आता यांची जी प्रमुख मागणी आणि ज्या मागणीमुळे या सगळ्यांचे प्रश्न सुटू शकतात, यांचं कुटुंब व्यवस्थितपणे उदरनिर्वाह करू शकते, तर ती मागणी ही विलीनीकरणाची आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय हा राज्य शासनाला येणाऱ्या काळामध्ये घेण्यासाठी बाध्य करण्यासाठी आम्ही सर्व आमदार किंवा सर्व मंत्र्यांना आम्ही निवेदन देऊन त्यांना आम्ही बाध्य करू आणि त्यांना विनंतीसुद्धा करू. कारण शेवटी हा आपल्या समाजातले किंवा आपल्या राज्यातले हे लोक आहेत आणि अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या, यांच्या कुटुंबाची उपासमार होते, अनेक वेळा यांना आपल्या पुरांना चांगलं शिक्षण देण्यासाठीसुद्धा पैसा राहत नाही आणि एवढ्या वर्षापासून हे सातत्याने जनतेची सेवा करत आलेले आहेत, राज्याची सेवा करत आले आहेत, तर यांनासुद्धा त्या ठिकाणी व्यवस्थित पगार हा मिळाला पाहिजे याची भूमिका माझीसुद्धा आहे. येणाऱ्या काळामध्ये अधिवेशनापर्यंत हा मुद्दा जर पूर्ण महाराष्ट्रभर जे एसटी कर्मचाऱ्याचं त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलन चालू आहे आणि खरोखर यांच्या मागण्या अत्यंत समर्पक अशा मागण्या आहेत. सगळ्या पक्षांना कमी पगार मिळतो, जास्तीत जास्त ड्युट्या हे लोक करतात आणि काँग्रेस पक्ष म्हणून, काँग्रेस पक्ष हा एक जनसामान्यांचा पक्ष आहे आणि जनसामान्यांच्या मागे तो नेहमीच उभा राहतो, तर जनसामान्य म्हणून आम्ही काँग्रेस पक्ष याच्या मागं उभा आहो. यांच्या मागण्या न्याय आहे आणि यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य होऊन यांना न्याय मिळावा याच्यासाठी काँग्रेस पक्ष सरकारकडे प्रयत्न करून मागण्या मान्य करून द्यायचा प्रयत्न. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है.
आए दिन मोबाइल चोरी की घटनाएं भी नागपुर शहर में तेजी से बढ़ रही है। वहीं इन मोबाइल चोरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी सख्त हो गई है। हाल ही में मानकापुर पुलिस ने चोरी के 6 मोबाइल लोगों को लौटाए। गाड़ी चोरी के साथ साथ मोबाइल चोरी की वारदातें भी शहर में बढ़ गई है। मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस भी नए नए तरीके अपना रही है। हाल ही में मानकापुर पुलिस ने चोरी के जब्त किए 6 मोबाइल लोगों को लौटाए, जिसकी कुल कीमत 70,000 बताई गई थी। वहीं पुलिस ने मोबाइल चोरों से सतर्क रहने का आह्वान लोगों से किया। पोस्टे मानकापुर येथे 2020 मध्ये जे मोबाइल मिसिंग झालेले होते त्या गुन्ह्यांचा तांत्रिक पद्धतीने शोध घेऊन आईमेय नंबरवरून त्या मोबाइल शोधून काढलेले आहेत। आता याच्यापूर्वी सुद्धा आम्ही 6 मोबाइल 8 दिवसापूर्वी परत केलेले आहेत। आता सुद्धा आम्ही परत 6 मोबाइल 70,000 एकूण मुद्देमाल दिवाळीच्या पर्वावर आम्ही आज त्यांना परत करणार आहोत। त्यांचे जे तांत्रिक पद्धतीने आयमय नंबर किंवा त्यांचे CDR वगैरे घेऊन आम्ही त्याचा शोध घेतलेला आहे। मोबाईल सापडले असे चोरीच्या गुन्ह्यातले वगैरे ते सध्या तरी मिळून येत नाही। आणखी पुढे तपास करून तसा काही प्रकार आहे का याचा सुद्धा शोध घेण्याची। प्रत्येक व्यक्ती को समय पर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना जरूरी है। शहर की गरीब जनता की सेवा के लिए महानगर पालिका ने वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया है। इस केंद्र से गरीब और जरूरतमंदों को समय पर नाम मात्र दरों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। जन स्वास्थ्य के लिए महानगर पालिका की ये महत्वपूर्ण पहल होने की आशा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई। प्रत्येक व्यक्ति को समय पर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना जरूरी है। शहर की गरीब जनता की सेवा के लिए महानगर पालिका ने वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया है। इस केंद्र से गरीब और जरूरतमंदों को समय पर नाम मात्र दरों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। जन स्वास्थ्य के लिए महानगर पालिका की ये महत्वपूर्ण पहल होने की आशा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई। स्वतंत्रता अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर महानगर पालिका की ओर से शहर के गरीब वर्ग के लिए वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई है। भीवसनखोरी भीमसेना नगर बौद्ध विहार में स्थापित इस केंद्र का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण किया गया। गडकरी ने कहा कि यदि शरीर स्वस्थ रहा तो जीवन में प्रगति की जा सकती है, जिसे स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए महानगर पालिका की ओर से इन जन स्वास्थ्य केंद्र को बस्तियों में खोला जा रहा है। केंद्र के माध्यम से लोगों को समय पर प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रखने के लिए परिसर के लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य के साथ ही परिसर के छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए निकट भविष्य में प्रयास किए जाएंगे। बस्तियों में सड़कों की मरम्मत के लिए सांसद निधि से आवश्यक निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी गडकरी ने दिया। प्रास्ताविक करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं की किल्लत सभी क्षेत्रों में देखी गई। गरीब से लेकर अमीरों को भी इसकी आंच झेलनी पड़ी है। शहर के प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम दर्जे की सुविधा मिल सके, समय पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके, इसके लिए जिन हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है ऐसी जगहों पर जन स्वास्थ्य केंद्रों को खोला जा रहा है। विशेष रूप से झोपड़पट्टी क्षेत्रों में 75 हेल्थ पोस्ट तैयार करने की संकल्पना है। देश के शहीद जवानों के नाम पर हेल्थ पोस्ट होंगे। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर कोरोना व यातायात नियमों का पालन करने के लिए नागपुर शहर पुलिस जोन 2 द्वारा धनतेरस के दिन बाजारों में पुलिस विभाग पेट्रोलिंग कर रहा था। जोन 2 की DCP विदिता साहू ने खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक नियम और कोरोना के नियमों के मद्देनजर जन जागृति की। दीपावली त्योहार के मद्देनजर कोरोना व यातायात नियमों का पालन करने के लिए नागपुर शहर पुलिस जोन 2 द्वारा धनतेरस के दिन बाजारों में पुलिस विभाग पेट्रोलिंग कर रहा था। जोन 2 की DCP विनीता साहू ने खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक नियम और कोरोना के नियमों के मद्देनजर जन जागृति की। धनतेरस के अवसर पर सीताबर्डी से लेकर सदर बाजार सड़क पर पुलिस दिखाई दी। अचानक शाम को DCP जोन 2 के अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के सड़क पर उतरने से कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी, ऐसा सवाल लोगों के मन में चल रहा था। लेकिन नागपुर पुलिस के जोन 2 का पथक सिर्फ उतरा हुआ था जनता में जन जागृति करने। इस दौरान जोन 2 की DCP विनीता साहू ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। देखिए, आज धनतेरस का दिन है और लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो सारे ही मार्केट, सदर मार्केट, बर्डी मार्केट, वैरायटी स्क्वायर, गोकुलपेट मार्केट, गिट्टी खदान स्क्वायर, मानकापुर मार्केट, यहाँ पर हर जगह अभी भीड़ है और भीड़ में लोगों को बार बार इसके बारे में एक जागरूकता फैलाना और अनाउंसमेंट करते रहना ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करें, आपस में अपना जो बिलोंगिंग्स है उनका ध्यान रखें, साथ में अगर छोटे बच्चे हो तो उनका ध्यान रखें और कोरोना के नियम जो हैं उनका पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में एक जागरूकता रखते हुए हमारा जो पूरा RCP पतक है सदर पुलिस स्टेशन का और बाकी पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, उनके साथ हमने पेट्रोलिंग किया है और लोगों में जागरूकता फैलाने का कोशिश किया है और साथ ही शिष्ट लगाने का भी प्रयत्न किया है।
एक और पुलिस विभाग ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए शहर में अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ शहर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात जरीपटका थाने के समीप ही एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल तो पुलिस आकस्मिक विवाद होने की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। मृतक कौशल्यानगर अजनी निवासी फ्रैंक भूषणम अंथोनी बताया गया है। एक और पुलिस विभाग ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए शहर में अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ शहर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात जरीपटका थाने के समीप ही एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल तो पुलिस आकस्मिक विवाद होने की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। मृतक कौशल्यानगर अजनी निवासी फ्रैंक शुभनम अंथोनी बताया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रैंक मानकापुर के चर्चित मोहित पीटर हत्याकांड में आरोपी था। बताया जाता है कि वह मंगलवार की रात जरीपटका थाने के समीप खोबरागढ़े चौक पर खड़ा था। इसी दौरान कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। गाली गलौज से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में बदल गया। करीब 5 से 6 युवकों ने फ्रैंक को घेर लिया, उसके सिर पर बड़ा पत्थर उठाकर मार दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही जरीपटका के थानेदार वैभव जाधव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फ्रैंक को अस्पताल रवाना कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बिना समय गवाए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। देर रात तक अन्य 2 की तलाश जारी थी। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी युवक गाली गलौज को लेकर विवाद होने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन खबर मिली है कि पिछले कुछ दिनों से फ्रैंक अपने साथी आशीष मैडी और शाहरुख की जमानत करवाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। मैडी को मोहित के मर्डर में सजा हुई थी। वहीं कुछ महीने पहले शाहरुख को पुलिस ने 2 माउजर के साथ गिरफ्तार किया था। खबर यह भी है कि मैडी गैंग ने एक बिल्डर की सुपारी ली थी, उसका काम तमाम करने के लिए ही माउजर लाए गए थे। इसकी भनक विरोधी गुट को लग गई थी। देर रात तक पुलिस जांच में जुटी थी। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।